Hello and welcome guys to my channel Shreya's Story और I'm Shreya। तो guys बहुत time बाद video आया है क्योंकि इसके पहले भी मैंने एक video upload किया था जो कि YouTube की तरफ से delete कर दिया गया। reason नहीं पता क्योंकि इतने subscriber नहीं है कि उनसे direct chat करके reason पूछ सके। वैसे मैंने appeal की थी but कोई फ़ायदा नहीं हुआ, काफ़ी time हो गया और ना वो channel मेरा फिर से वो वीडियो ना फिर से एक्टिवेट हुई ना कुछ, उसके लिए कोई मैसेज आया दोबारा। तो अब मैं फिर से बहुत टाइम बाद इस वजह से मैं काफ़ी सोच रही थी बनाऊं या ना बनाऊं, या ऐसा तो नहीं है कि 3 महीने के लिए मेरा चैनल सस्पेंड हो गया हो। फिर मैंने कहा कि चलो एक और ट्राई करते हैं। खैर अगर मुझे रीज़न पता होता तो हो सकता है मैं आगे के लिए उसे ना करती। वैसे मैंने कोई कॉपीराइट कंटेंट नहीं यूज़ किया था क्योंकि कोई कॉपीराइट मटेरियल था ही नहीं, वो मेरा पर्सनल फंक्शन का, घर के फंक्शन का वीडियो था जिसकी मैंने कुछ कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर की थी। बट आई डोंट नो व्हाई यूट्यूब डू दिस। खैर नहीं पता है तो उसके बारे में अब ज़्यादा क्या बोले, यूट्यूब का कुछ अपना ही पॉलिसी है। खैर उसको छोड़ते हुए तो काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो आया है क्योंकि अभी जो है मैं जाने वाली हूँ अपने ससुराल, ससुराल मुंबई नहीं, ससुराल मैं यूपी में ये अपने मायके से ससुराल जाने वाली हूँ। और मैं वो ज़रूर आपको दिखाऊंगी कि मेरे ससुराल का जो गांव है वो कैसा है। मायके का जो गांव का ब्लॉग है वो मैंने आपसे पहले ही शेयर कर लिया है। और अगर अभी तक आपने हमारा ये ब्लॉग नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर ये ऊपर आई बटन में भी दिख जाएगा तो आप उसे भी देख सकते हैं। अभी मैं आपको ससुराल का भी ज़रूर दिखाऊंगी और फिलहाल अभी दिखाने वाले हैं कि क्या क्या प्रिपरेशन हो रखी है। अभी हस्बैंड आएंगे, उन्हीं के साथ जाना है तो फिलहाल अभी काफ़ी तैयारियां भी हुई है क्योंकि आपको पता है दामाद जी उधर घर आते हैं तो उनके लिए काफ़ी स्वागत होता है, आओ भगत बहुत ज़्यादा होती है। बहुओं की इतनी नहीं होती, पता नहीं क्यों इतनी नहीं होती है, वो हर बार आते हैं तो उनका हर बार होता है। बहुओं का वही होता है जो एक बार वो लोग जाती हैं फर्स्ट टाइम वही होता है। फिलहाल मैं वो भी दिखाऊंगी क्या क्या प्रिपरेशन हुई है। फूड वगैरह ऑलमोस्ट रेडी है, बस उनका आने का वेट हो रहा है। और अभी तो जो है मैं रेडी नहीं हुई हूँ, वो भी दिखाऊंगी मैं अपने अलग अखबार में आपको आके ज़रूर दिखाऊंगी कि क्योंकि मैं पहनने वाली हूँ साड़ी। जी हाँ बिल्कुल, इंडियन बहू के अखबार में आने वाली हूँ तो वो भी दिखाएंगे। और आगे क्या क्या होने वाला है वो सब भी आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल पहले वीडियो में मैंने शेयर किया था कि इतनी दूर से मैं किससे मिलने आई हूँ तो वीडियो डिलीट हो गया। पर इस वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगी मैं अपने किस छोटे से क्यूटी भाई से मिलने आई हूँ, मैं अपने भतीजे से मिलने आई हूँ जिसका नाम भव्य है, तो मैं उसको भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और चलिए देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं, वो सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। पर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद और आगे, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर। तो यहाँ पे जो मेरे क्यूटी पाई है, भतीजा है ये मेरा, और वो खेल रहा है, बहुत ही मस्ती कर रहा है और मैं भी उसके साथ खेल रही हूँ क्योंकि आज ही के आज मुझे वापस भी जाना है, यानी ससुराल भी जाना है प्लस मुंबई वापस भी जाना है और आज राखी भी है। व्लॉग देर आया है क्योंकि रीज़न आपको पहले ही बता दिया है, जब तक आप ये व्लॉग देखेंगे मैं मुंबई पहुँच चुकी होंगी। तो यहाँ पर जो फूड रेडी है, यहाँ पर जीरा राइस बना है और इसी के साथ साथ और भी जो चीज़ें वो दिखा देते हैं। यहाँ पर छोले बने हैं क्योंकि छोले हमारे घर में सबके फेवरेट हैं तो यहाँ पे इसलिए छोला बना है और इसी के साथ साथ बूंदी रायता बना है और इसके साथ पूड़ियाँ या भटूरे नहीं बने हैं क्योंकि गर्मी भी उस दिन ज़्यादा थी, तो नान बनना है जो कि बिल्कुल गर्मा गर्म खाने के टाइम में बनेगा। तो हस्बैंड आ गए हैं, उनके पसंद का जो स्वीट डिश है उन्हें रसगुल्ला बहुत पसंद है तो ये चीज़ उनके लिए जा रही है। फूड भी रेडी हो गया, ये देखिए नान वगैरह सब रेडी कर लिया है, अब सब लोग खाने बैठे हैं। बहुत जल्दी जल्दी ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, इस वजह से जो हो सकता है जल्दी जल्दी बना के आपको उसमें ऐड करके मैंने दिखाया है। स्वीट डिश में गुलाब जामुन था। तो गाइस आप देख जैसे रिपीट करेंगे मेरे बहुत चेंज हो गया क्योंकि मैं एकदम इंडियन आउटफिट में आ गई हूँ क्योंकि तो ससुराल जा रहे हैं तो साड़ी पहनी हुई है। ये देखिए चूड़ियाँ पहनी है, मेहंदी लगी हुई खा ली थी, मेहंदी लगा रही है और थोड़ा सा नॉर्मल सा मैंने मेकअप कर लिया है और ये मैंने साड़ी पहन ली है। मोस्टली भी है भी साड़ियाँ ज़्यादा पहनती तो नहीं हूँ बट ये स्पेशल ओकेजन है, एक घंटा आपको पूरा दिखा देती हूँ। तो ये
मतलब यहाँ मैंने देखे पायल पहनी है, बिछिया पहनी है, पैरों में रंग लगाया, जो कि बहुत ज़रूरी है, हमें रंग लगाना होता है और अच्छा भी हो, बहुत शुभ भी होता है, तो इसलिए लगा लिया है। अभी फ़िलहाल दोस्तों आपको बहुत ही जल्दी मैं शायद दिखा रही होंगी, मैं अपने जो ससुराल है वो पहुँच चुकी हूँ, यानी गाँव में पहुँच चुकी हूँ और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। और जो है मैं रात में शूट नहीं कर पाई क्योंकि आपको पता है लाइटिंग कंडीशन अच्छी भी नहीं थी, बहुत रात भी हो गई थी पहुँचते पहुँचते, इस वजह से मॉर्निंग से शूट स्टार्ट किया है मैंने। देखे ये है जो मेरा जो घर है वो छत से मैंने ये लिया है वीडियो, और यहाँ सामने मंदिर है, मंदिर को आपको पूरी तरह दिखाया जाएगा। और ये जो है ये घर का पीछे की तरफ का है, ये बगीचा वगैरह है, यह जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सामने की तरफ आपको खेत भी दिख रहे होंगे और यहाँ पे आपको गाय भी दिख रही होगी। तो दोस्तों उसके पहले भी मैंने आपके साथ अपने जो है मायके के गांव का ब्लॉग जरूर शेयर किया था, देख जरूर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे भी दिख जाएगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। ये हमारे घर के सामने ना अमरूद का पेड़ है और ये कुआं है और सामने मंदिर है, तो मंदिर जो है वो शंकर जी का है, तो शंकर जी के मंदिर में चलिए आपको ले चलते हैं। मंदिर जो है बहुत छोटा मंदिर है मगर बहुत ही ज़्यादा शांति रहती है यहाँ पे। तो ये देखिए ये शंकर जी का मंदिर है, तो मंदिर के ठीक बगल में कुआं है जो कि यूज में नहीं आता है अभी फिलहाल, वैसे भी ये काफी गंदा भी हो चुका है और अब वैसे भी कुओं का ज़्यादा यूज़ नहीं है। और ये पीछे गौशाला है जहाँ बहुत सारी गाय हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ भी है, ये देखिए ये बच्चियाँ है। इसके पहले मैंने आपको मायके के भी ब्लॉग का गौशाला और गाय दिखाई थी मैंने, तो ये अब ससुराल पक्ष का है, तो आप दोनों ही देख के देखिए, लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है मेरे पहले ब्लॉग का। तो आज जो है दोस्तों पूर्णिमा है, राखी पूर्णिमा है, ब्लॉग लेट आया है, पता है रीज़न आपको सबको बता दिया गया है, घर में पूजा भी है, बहुत सारे काम है, पूजा भी मैं आपको दिखा दूंगी। पता नहीं पूरा वीडियो बना पाए या नहीं बना पाए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बहुत सारे काम भी है इस वक्त, और आगे का तो नहीं बता सकते कि क्या क्या मैंने बना सकती हूँ या नहीं बना सकती हूँ आगे का ब्लॉग, फिलहाल कोशिश ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सामने जो है ये खेत वगैरह हैं और ये बगीचा है, मतलब खेत और बगीचे आसपास ही हैं। अभी मुझे यहाँ से पूजा वगैरह जो है संपन्न जब हो जाएगी तो मुझे फिर से वापस अपने घर जाना है राखी बांधने के लिए, राखी बांधने के बाद मुझे फिर शाम को जो है मुंबई के लिए निकलना है। तो आज का दिन जो है ना बहुत ही ज़्यादा हैट्रिक है। तो ये देखिए अमरूद का पेड़ है, अमरूद भी गिरा हुआ है इसमें से। तो फिलहाल अभी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए और इसको सीधा दिखा के ना आपको हम आगे ले चलते हैं, पूजा भी दिखा देंगे कि क्या पूजा है। मेरी जो सासू माँ है उन्होंने बच्चा दान करनी है, आज पूर्णिमा का दिन है, बहुत शुभ होता है दान दक्षिणा के लिए, तो वही है, वही होना है, तो उसका भी मैं आपको क्लिप दिखा दूँगी। प्लस हमारे घर में आज जो है हमारे देवता जो हैं हमारे कुल देवता उनको जो है पूजा चढ़ेगी, और जिसमें बहुत सारे खाना, बहुत सारा खाना बनाना है और वो उनको सबसे पहले भोग लगाया जाएगा। तो यहाँ देखिए पूजा स्टार्ट हो गई है, मम्मी जो है ये बच्चिया को दान कर रही हैं क्योंकि बच्चिया दान करना एक बहुत बड़ा दान होता है, पुण्य होता है, पूर्णिमा के दिन कर रही हैं, फिलहाल ये करना भी चाहिए, शास्त्रों में भी लिखा है। और यहाँ से जैसे ये पूजा संपन्न होगी वहाँ पे मुझे जो है फूड प्रिपेयर करना है, उसको प्रिपेयर करने के बाद जो है वो भोग लगाएंगे भगवान को। तो यहाँ पे देखिए ये जो छोटी सी बच्चियाँ हैं उसे बांधा जा रहा है क्योंकि दूध दोना है, ये देखिए दूध भी दूह लिया गया है, ताज़ा ताज़ा बिल्कुल। दोस्तों यहाँ से मैं व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ और अभी मैं ना घर पे आ गई थी, उसका मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, बस कुछ पिक्चर्स लिए हैं रक्षाबंधन की तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो मैंने अपने छोटे से भतीजे को बांधा है, भैया को भी राखी बांधी है, तो उसकी कुछ पिक्स मैंने डाली है क्योंकि काफ़ी आपको पता है एक ही दिन में बहुत सारी चीज़ें करनी थी, इधर से उधर जाना वापस जाना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे और अच्छी बनाएँ, पूरी बनाएँ। तब तक के लिए आप
तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नेक्स्ट जो आप वीडियो देखेंगे, व्लॉग देखेंगे, वो मुंबई का ही होगा और कोशिश करेंगे थोड़ा और अच्छे से बनाएं और लंबा बनाएं। तो कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय।